Hello friend, I am Ravi Ranjan Kumar. आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं क्लास टेंथ के लिए जो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं जो हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है. ट्रिगोनोमेट्री जो है इंग्लिश वर्ड है उसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति. त्रिकोणमिति जो है तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है. तीन शब्द जो है त्री, त्री में से होता है तीन, कोण, कोण में से हुआ कोण, और आपका मिति, मिति हो जाता है माप. हम लोग कह सकते हैं कि तीन कोण की माप. त्रिकोणमिति क्या हुआ? तीन कोण की माप. त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ हुआ त्रिभुज की माप. यह कह सकते हैं हम लोग, देखिए त्रिकोण मिति, त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ अर्थ है आपका त्रिभुज की माप. त्रिभुज की माप, तो त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज की माप के बारे में जानते हैं. तो त्रिकोणमिति जो हुआ, सबसे पहले आप जानना होगा कि डिफिनेशन क्या होता है. त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हो गया कि तीन कोणों के त्रिभुज की माप को कहते हैं. यहाँ दिया हुआ तीन कोण की माप, तीन कोण की माप, ठीक है. लेकिन शाब्दिक अर्थ जो होता है त्रिभुज के माप से है. अब इसका देखिए डिफिनेशन, त्रिकोणमिति क्या है कि त्रिकोणमिति का डिफिनेशन कह देगा. तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति गणित, गणित की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों, कोणों के मापों तथा उससे संबंधित संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है. त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है. तो सबसे पहले त्रिभुज की भुजा, तो देखिए त्रिभुज के बारे में जानते हैं. त्रिभुज जो है, जानते हैं कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं. देखिए तीन रेखाखंड, रेखाखंड कहने का मतलब हुआ कि ये जो रेखाखंड हुआ ए बी, ये रेखाखंड हुआ जो फिक्स होता है, दोनों तरफ से बढ़ता नहीं है. रेखा में जो होता बढ़ता है लेकिन रेखाखंड में नहीं बढ़ता है. तो तीन रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं. त्रिभुज में भुजा होते हैं, तो भुजा तीन होते हैं. भुजा कौन कौन हुआ? तो ए बी, बी सी, सी ए, ये आपका क्या है? भुजा है आपका. देख कोण, देख कोण जो होता है एंगल, इस तरह से कोण, कोण बी और कोण सी. और जो शीर्ष, शीर्ष जो है एंग, शीर्ष जो होता है सिर्फ ए बी और सी, ये शीर्ष हो गया. हम लोग भाग पूछ देता है लोग या अंग, तो छह हो जाता है. तीन भुजा और तीन कोण को मिलाकर आपका अंग हो जाता है, भाग होता है, ठीक है. अब देखिए कोण के बारे में पढ़ते हैं. कोण होता क्या है? देखिए एक मिनट, देखिए हो गया. अब कोण जो है, कोण कैसे बनता है? तो इसमें देखिए कोण के लिए ये किरण हो गया, ठीक है. तो किरण में क्या होता है कि आरंभिक बिंदु, आरंभिक, आरंभिक भुजा होता है, ये आरंभिक भुजा हो गया. और इसके अगर परितः कहने का मतलब कि दक्षिणावर्त होता है, एक होता है वामावर्त होता है. अगर हम ये जो है घुमा रहे इधर से वामावर्त इधर से, ठीक है,
ये जो कोण बन रहा है ये वामावर्त घुमात, तो वामावर्त घुमात यहाँ पर जो ये बना झुकाव जो बन रहा है दोनों के इसे, तो इसको कहते हैं वामावर्त। वामावर्त जो होता है क्या होता है कि इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये प्रारंभिक से आई शीर्ष हो जाता है, ये दोनों क्या हो गया, ये शीर्ष हो गया और ये हो गया आपका अंतिम भुजा, अंतिम भुजा होता है। तो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के जो है शीर्ष जो है दोनों का मिल रहा है, दोनों के मिलने से ये कैसे घुमा, तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर कोण बढ़ रहा है, ठीक है। जब हम जानते हैं एक चीज याद रखिएगा कि वामावर्त दिशा में घूमने से बना कोण धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ये चीज याद रखिएगा कि वामावर्त दिशा में घूमने से बना कोण क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग वामावर्त देख लिए, अब दक्षिणावर्त देखते हैं। दक्षिणावर्त होता क्या है, ये आपका प्रारंभिक आरंभिक आरंभिक भुजा हो गया, ठीक है। और इससे यहाँ देखिए ये नीचे की ओर घूमता है, ऐसे एंगल जब बनाते हैं इस तरह से तो नीचे की ओर घूम रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त होता है, तो दक्षिणावर्त हो गया ये घूमने से, ये जो भुजा हुआ ये तो शीर्ष हो गया, यहाँ पर शीर्ष हो गया, ये जो हुआ अंतिम भुजा हो जाएगा, अंतिम भुजा, ठीक है। दोनों के दक्षिणावर्त घूमे या यहाँ पर आपको बताए थे आपका कि वामावर्त, ठीक है। तो वामावर्त में धनात्मक होता है और दक्षिणावर्त जो लेते हैं तो दक्षिणावर्त में क्या हुआ कि इसको इंग्लिश में तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणावर्त घूमने से बना कोण ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब देखिए आप कि अभी हम त्रिभुज के कोण और भुजा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जाने कोण और भुजा के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो जानते हैं कि सबसे पहले कोण त्रिभुज के कोण और भुजा के बारे में देखिए हाइपाचस जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, कौन थे, ग्रीक गणितज्ञ थे, जिन्होंने बताया कोण और भुजा के बारे में, त्रिभुज के कोण और भुजा के बारे में हाइपाचस, ग्रीक मैथमेटिशियन। इसके बाद त्रिकोणमिति के बारे में हमें आर्यभट्ट के द्वारा जो बुक लिखा गया आर्यभट्टिया, उसमें इनका उल्लेख पूरा दिया गया। हम लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट द्वारा हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ते हैं, आर्यभट्ट में के बुक जो लिखा गया आर्यभट्टिया में उसमें साइन और कॉस के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए त्रिभुज के बारे में जान लिया, अब जानते हैं कि इसका अनुपात होता है, ठीक है। ट्रायंगल जो हम समकोण त्रिभुज, देखिए एक त्रिभुज जो हुआ ये समकोण त्रिभुज बना, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज जो बनता है ये तो थोड़ा सा हो गया, देखिए समकोण, तो समकोण क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का हुआ। इसमें देखिए कि 90 के सामने जो होता है भुजा, ये 90 डिग्री के सामने जो भुजा है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं, ठीक है। कर्ण जो होता है लिखिए कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि 90 डिग्री सामने भुजा हुआ तो इसमें लंब और आधार कौन सा है, तो देखिए जब तक आपका यह थीटा नहीं दिया रहे,
तब तक हम लंब और आधार डिसाइड नहीं कर सकते। देखिए जी हवा नाइडी, जब ये थीटा दिया रहेगा ए बी सी, जब थीटा दिया रहे तो इस थीटा सी के सामने जो भुजा होगा ये आपका क्या होगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार और कर्ण, तो कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, बड़ा होता है। यहां पर लंब और आधार बदलता है, लंब और आधार बदलता है, ठीक है। देखिए जैसे इसको थीटा माने, आपका आप दिमाग में आ रहा है यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए एक और फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए अगर यहाँ थीटा इंडिकेट करते हैं तो इसके सामने वाला जो भुजा है ये आपका लंब हो जाएगा और कर्ण तो वही रहेगा। अब तीन ही चीज जाना है कि लंब आधार और कर्ण होता है, तो दो दिया हुआ था, तीसरा क्या होगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर कि लंब आधार कर्ण के बारे में जानेंगे, एक चीज और जान लीजिएगा कि कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, तो एस से सूचित करते हैं, और आधार को बेस मतलब बी से सूचित करते हैं। अब परपेंडिकुलर, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, पी से सूचित करते हैं, ठीक है। ये चीज अब देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि 90 डिग्री का कोण, जैसे बार बार पढ़े समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो सम कोण किसे कहते हैं, तो सम कोण, सम कोण होता है 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, सम कोण कहते हैं, ठीक। अब न्यून कोण, न्यून न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और अधिक कोण होता है क्या, कि 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, छोटा के कोण को, छोटा के कोण को अधिक कोण कहते हैं। ये सब आपका क्वेश्चन में रहेगा, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, क्लियर हो गया। देखिए अभी हम लोग पढ़े समकोण त्रिभुज के बारे में, ये समकोण है, ये 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, आधार लंब कहते हैं, कट जाएगा ना, ये जो हुआ आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया। पाइथागोरस थ्योरम 9th क्लास में पढ़े हैं, गोरस परमे पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है इसलिए कर्ण दोनों का सम होता है, ठीक है। अब देखिए कर्ण, एक चीज और यहां ध्यान दीजिएगा कि रूट, ये रूट इसको क्या बोलते हैं, रूट, इस रूट का वैल्यू जो होता है ये 1/2 होता है। इसी तरह अगर रूट के अंदर 3 दे दे तो इसका मतलब 1/3, रूट में अगर 4 दे दे तो 1/4, रूट के अंदर 5 दे दे तो 1/5। कहने का मतलब है, 4 है, कहने का मतलब हुआ कि रूट 5 दिया हुआ, इसके अंदर x है, तो इसका मतलब x के पावर 1/5 होता है। रूट अंडर यहाँ पर 4 दे दे x है तो x के पावर 1/4 हो जाता है। देखिए ये स्क्वायर जो है, कर्ण जो लिखे हैं तो पावर 2 है, तो पावर जो बराबर को उस तरफ जाएगा तो रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आ जाइए अब कर्ण के लिए हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण बड़ा है। आज अगर लंब कह दे तो लंब का स्क्वायर। तो एक चीज़ देखिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना हो कि प्लस जो है बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस, माइनस जो है बराबर को उस तरफ जाएगा तो प्लस, गुना जाएगा तो भागा और भागा जाएगा तो गुना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कर्ण तो वहीं पर है, अब हम इधर से क्या कर रहे हैं, आधार को ला रहे हैं, तो प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में आधार का
स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसी चीज को लंब अगर बराबर करते हैं तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेन आपका ये फॉर्मूला बन रहा है ई सबसे। अब देखिए हमको लंब निकल गया, अब आधार चाहिए तो आधार का स्क्वायर कर्ण से चेंज नहीं होगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए सिर्फ आधार चाहिए तो इधर क्या होगा स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर। इसको ले लेते हैं बी स्क्वायर बराबर तो आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अब बी बराबर करते हैं तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये चीज जो दी है अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है यहाँ फाइव है यहाँ पर फोर है समकोण त्रिभुज है, हम जान रहे हैं कि 90 डिग्री सामने कर्ण है और ये क्या आपका आधार है, तो हम तीन ही जानते हैं कि लंब आधार और कर्ण होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि हमें क्या मालूम नहीं है तो लंब नहीं मालूम है, तो लंब के लिए फॉर्मूला बताया कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है तो लंब हमको लिखाना है तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आपका हो जाता है आधार का स्क्वायर, स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए कि लंब स्क्वायर है तो हमको कर्ण मालूम है फाइव, तो फाइव का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, जानते हैं कि स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया दो बार फाइव इंटू फाइव गुना करेंगे तो पच्चीस, या क्या हो जाए पच्चीस माइनस चार को करते हैं स्क्वायर तो चार गुने चार तो क्या हो जाता है सोलह, तो यहाँ सोलह हो गया आई घटेगा तो नाइन, ये क्या है मेरा लंब का स्क्वायर ना यार, तो अब देखिए लंब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा नाइन तो क्या हो जाता है इसको तो नहीं तो नाइन हो मतलब थ्री हो जाता है, रूट नाइन का क्या होगा थ्री हो जाएगा। इसमें क्या करना है कि दो दिया रहेगा एक नहीं दिया रहेगा, तो इस पर आप लिखान सकते हैं तीन ही है आपका आधार दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है लंब दिया हुआ है, दो दिया रहे एक नहीं दिया रहे तो इससे लिखान सकते हैं। अब इसमें हमको क्या जानना है कि सबसे पहले हमको स्क्वायर रूट पढ़ना है, तो स्क्वायर रूट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगले वीडियो